गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम ये सिंधी का छोटा सा फूल बनाना सीखेंगे। देखिए पूरी बूटी है और इसमें बीच में मिरर भी लगा हुआ है। अगर आप चाहें तो इसे पूरी कुर्ती पर भी डाल सकते हैं। छोटी छोटी बूटियाँ बहुत खूबसूरत लगेंगी बनने के बाद। तो देखिए इस तरीके से पहले हम यहाँ कॉर्नर सुई निकालेंगे और इसके बाद देखिए इधर साइड से हमने सुई को डाला है। इसके बाद हम ये इस तरीके से यहाँ से इस कॉर्नर से इस तरीके से अपनी सुई को पास करेंगे। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद फिर ये यहाँ निकालेंगे इस तरीके से। फिर ये सेकंड कॉर्नर में बनाएंगे देखिए इस तरीके से। इसके बाद देखिए हम ये अपनी सुई को इस तरीके से धागे के नीचे से निकालेंगे। उसके बाद इसको हम छोड़ देंगे गाइस और पहले हम इधर बनाएंगे देखिए इस तरीके से एक कॉर्नर बनाएंगे इस तरीके से। फिर इधर ले जाएंगे अब देखिए हमें अपने धागे को देखिए यहाँ से तो हम ऐसे ही रखेंगे इधर से ऐसे ऊपर और ये सेकंड वाले धागे के नीचे से अपनी सुई को निकालेंगे देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से बनाना है आपको भी और उसके बाद में फिर इधर कॉर्नर में ले आएंगे देखिए इस तरीके से। फिर ये कॉर्नर बनाएंगे अब देखिए गाइस ये वाला धागा इस तरीके से इसके नीचे से हम सुई को निकालेंगे देखिए इस तरीके से। ठीक है गाइस फिर इस धागे को हम ऐसे ही छोड़ना है। देखिए दोनों तरफ से उठा हुआ है तो इसको हम दबाएंगे और देखिए धागा एक साइड से हमारा दबा हुआ है और इधर से हमें इसके नीचे से सुई को निकाल कर इसे ऊपर करना है देखिए इस तरीके से। और हम अपनी सुई को नीचे निकाल देंगे तो देखिए हमारा बन चुका है। अब हम इसे भरना स्टार्ट करेंगे। तो गाइस देखिए जिधर से हमने बनाना शुरू करा था वहीं से ही इसको स्टार्ट करेंगे। तो गाइस हमारा सिंधी का फूल हमेशा जहाँ से बनाना हम शुरू करते हैं वहीं पर ही इसका लास्ट होता है। देखिए इस तरीके से हम यहाँ से निकालेंगे फिर ये इधर ले आएंगे अपनी सुई को इस तरीके से। फिर ये धागे को उठाएंगे उसके बाद हम इसको इस कॉर्नर से निकालेंगे इस तरीके से। धागे को ऊपर उठाएंगे फिर ये वाला धागा उठाएंगे। उसके बाद गाइस हम इधर आ जाएंगे देखिए पहले हमने ये बनाया था लेकिन भरते टाइम हम इसको पहले भरेंगे देखिए इस तरीके से। धागा हमारा दबा हुआ है इसको उठाएंगे ये देखिए इस तरीके से। फिर ये वाला धागा उठा लेंगे इस तरीके से हम इसको पूरा बना लेंगे। गाइस अगर आप एक बार ये फूल बनाना सीख गए थे ये एम्ब्रॉयड्री बहुत इजी होती है बनाने में। फिर देखिए हमारा ये एक धागा यहाँ छुपा हुआ है देखिए दब रहा है बिल्कुल। इसको इस तरीके से हम सुई से ऊपर उठाएंगे देखिए इस तरीके से। फिर ये धागा यहाँ दबा हुआ है इसको हम ऊपर उठाएंगे इस तरीके से। अब देखिए अब इधर आ जाएंगे वापस से ये रहा इस तरीके से। अब ये धागा दबा हुआ है इसको उठाएंगे। अब देखिए क्या करना है हमें। अब हम लास्ट में आ चुके हैं तो देखिए हमारा यहाँ धागा दबा हुआ है इसको उठा लेंगे और हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ये इस धागे को इस तरीके से उठाएंगे और सुई को नीचे कर देंगे। तो देखिए हमारा बनकर तैयार हो चुका है ये देखिए। तो गाइस ये हमारी बूटी बन चुकी है। अभी इस पर मिरर रह गया है तो इसको मिरर को मैं आपको लगाना बताती हूँ किस तरीके।
पहले हम ग्लू की हेल्प से मिरर को सिक्योर कर लेंगे, उसके बाद हम इसको बनाएंगे धागे से। देखिए पहले हम पूरे इसको मिरर को धागे से भर लेंगे इस तरीके से। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो देखिए इस तरीके से हमारा मिरर बनकर कंप्लीट हो जाएगा। हमें छोटे छोटे धागे लेकर इसको बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम काज स्टिच करेंगे पूरे अपने मिरर पर। गाइस देखिए ये मिरर बनकर तैयार हो चुका है और अब ये पूरी बूटी हमारी इस तरीके से देखिए कितनी प्यारी लग रही है बनकर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।